हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जान चुके हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में कुछ नए अपडेट हुए हैं। जैसा कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग सिर्फ दो राउंड में ही कंप्लीट हो जाती थी, बाकी जो सीटें बचती थी वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन अब ऑल इंडिया काउंसलिंग 4 राउंड में कम्प्लीट होगी। तो इसके आधार पे जो रैंक और मार्क्स दोनों पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अब हम पहले जानते हैं कि नीट 2020 की जो आपकी काउंसलिंग का स्टेटस क्या था। जनरल कैटेगरी के जो रैंक थी वो आपका लगभग 15,000 पे थे और मार्क्स तो थे 611 थे। ओबीसी के भी रैंक आपकी 15,000 के आसपास थी और आपके जो मार्क्स थे 611 थे। ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा था, 15,004 पे आपका ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग क्लोज हुआ था और मार्क्स थे 611। एससी की बात करें तो एससी के आपका गया था 81,121 पे, जिसमें मार्क्स थे 506 और एसटी का गया था 96,759 जिसमें मार्क्स थे आपके 488। ये तो आपका था 2020 का, लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है ऑल इंडिया काउंसलिंग के। आप जानते हैं 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो पहला जो होगा डिपेंड करेगा रैंक वर्सेस मार्क्स पे, दूसरा आपका रहेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के आधार पे, तीसरा आपका रहेगा मेडिकल सीट के आधार पे क्योंकि काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई हैं, और चौथा आपका रहेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल्स जो नए अपडेट किए गए हैं। तो इन चारों पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला आ जाते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स पे। देखिए, पहले क्या था, आपका जो रैंक गई थी वो आपकी 15,000 और मार्क्स जो थे आपके 611 लगभग थे, लेकिन इस बार आपका जो जनरल कैटेगरी का जा रहा है वो आपका जाएगा लगभग 610 और जो रैंक होगी वो 14,500 के आसपास की रैंक होगी। देखिए, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ तो इंक्रीज करेगा क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें जो होती हैं वो रिजर्वेशन में जा रही हैं। 550 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की इंक्रीज की गई हैं और ओबीसी की आपकी 1500 सीटें इनकी, तो टोटल मिला करके आपका 2050 सीटें आपकी क्या हुआ रिजर्वेशन कोटे में जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी को झेलना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका मेडिकल सीट। मेडिकल सीट की बात करें तो 5500 सीटें आपकी मेडिकल सीट इंक्रीज की गई हैं टोटल ऑल इंडिया में, जिसमें से आपके 27 न्यू आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जो 27 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 3000 सीटें इंक्रीज हुई हैं और इसमें से आपको सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो सीटें मिली हैं वो आपकी 500 सीटें आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिली हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो नए रूल्स अपडेट किए गए हैं। तो पहले क्या था, दो राउंड में ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती थी। पिछले साल क्या हुआ था, 2097 सीटें बची थी जो कि रिवर्स हो गई थी स्टेट काउंसलिंग में। अब बात करते हैं इस साल क्या होना है, 2097 सीटें माने रखती हैं जो कि आपको कवर करना है मोपअप राउंड और स्टे वैकेंस राउंड में। अगर ये सब चीज़ें हम देख के चलते हैं कि अगर ये 2097 सीटें होती और मोपअप राउंड होते तो फिर क्या होता, हमारे जो सीटों की काउंसलिंग थी वो लगभग हमारी रैंकिंग के आधार पे हमारा जो रैंक होना चाहिए वो 605 के आसपास पे जनरल कैटेगरी का रैंक क्लोज होना चाहिए। तो इस बार के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ में एक चीज़ और भी हम आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई दूसरे स्टेट का है और वो पांडिचेरी हुआ या बाहर तमिलनाडु हुआ, वहाँ नहीं जाना चाहता है, अपने स्टेट में की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो इससे भी क्या होगा, कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज होगी। तो जिन बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी में 605 या 607 के करीब है, या ये भी मान सकते हैं कि 600 मार्क्स तक भी बच्चे इस बार लाए हैं, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 2021 की। अब हम बात कर रहे थे एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी की बात करें तो 490 से लेकर के 492 के करीब आपका एससी का होगा, और एसटी की बात करते हैं तो एसटी का 474 से लेकर के 475 तक का आपका एसटी का कट ऑफ जाना चाहिए।
अब फ्रेंड्स बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर हम पिछले मास के आधार पर देखें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो पिछले साल का अगर 611 मास मिले थे, अगर उनको रिजर्वेशन मिला होता तो उनकी कट ऑफ जानी चाहिए 597 से लेकर के 598 के बीच। लेकिन इस साल का अगर हम देखते हैं तो इस साल के मास जो होंगे ईडब्ल्यूएस की जानी चाहिए 607 से 605, क्योंकि इनको 10% रिजर्वेशन मिला है और भी कम होने के चांसेस हैं। तो मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो 592 से लेकर के 595 के बीच होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस किया है। ईडब्ल्यूएस की जो है, जिसकी वजह से काउंसलिंग थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि अभी 6 जनवरी को हेयरिंग होनी है, तो जब 6 जनवरी को के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि काउंसलिंग की प्रोसेस कब से शुरू होगी, तो इस बीच आपके पास काफ़ी समय है, इसमें आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।